नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव फ्लैश। मैं तान्या। बाल मित्र ग्राम कुंडी के बच्चे पहुंचे बीईओ एवं बीडीओ के पास अपने बाल ग्राम के लक्षण एवं शिक्षा व्यवस्था विद्यालय भवन की दुर्गति को लेकर एवं अपने अधिकारों की मांग को लेकर अति दुर्गम एवं पहरों की तराई में बसा प्रखंड मुख्यालय से 38 किलोमीटर की दूरी पर हमारा बाल मित्र ग्राम कुंडी है, जो मुख्य मार्ग से भी कटा है। यहां आजादी के बाद से ही सिर्फ कागज पर विद्यालय विभाग की मिली भगत से चला जा रहा है। विद्यालय की स्थिति गोहाल से भी बदतर है। इसी क्रम में हमारा बहरा बाल मित्र ग्राम की शुरुआत हुआ है। वहीं बच्चों के अधिकारों को हम लोगों ने बताया। बच्चों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं को लेकर प्रखंड से लेकर जिला तक शिक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों को आवेदन ग्रामीण एवं बच्चों के द्वारा दिया गया है, लेकिन 45 दिन होने के बाद भी कोई हलचल विभाग की ओर से नहीं देखा गया, क्योंकि इसमें पूरे विभाग भी की मिली भगत है। आज हमारे बाल मित्र ग्राम बनने के बाद बच्चे इतने जागरूक हुए कि बच्चों में 11 सदस्यों की टीम आज अपने अधिकारों को लेकर 38 किलोमीटर की दूरी से प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। कई बच्चों तो इस ठंड में खाली पैर ही आ गए। बीडीओ साहब से मुलाकात बच्चों को नहीं हो पाई, परंतु बीईओ तीसरी से बच्चे मिलकर अपनी समस्याओं को बताया एवं तीखा सवाल बच्चों ने सीधा बीईओ से किया। बच्चों का सवाल, अब तक हमारे गांव से किसी भी बच्चे का विद्यालय में नामांकन क्यों नहीं? हमारे अधिकार के साथ खिलवाड़ आप लोग क्यों कर रहे हैं? हमारे विद्यालय का हाल गोहाल से बदतर क्यों है? हम कोरोना काल में भी हमें कोविड रिलीफ नहीं मिला। अभी तक हमें ये पता नहीं कि हमारी विद्यालय की टीचर कौन है। बीईओ साहब से, क्या आपके बच्चे भी हमारे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं? क्या आप कभी कुंडी हमारे विद्यालय गए हैं? बीईओ साहब ने जवाब नहीं दिया। बच्चों के पास कई सवाल थे। बच्चों ने आवेदन भी बीईओ को दिया। बीईओ ने सारी इस बात को सुना एवं टीचर को बुलाकर फटकार लगाया। अतिशीघ्र कोविड रिलीफ वितरण का समय बीईओ ने सोमवार को दिया। विद्यालय एवं भवन की सुधार हेतु बीईओ बच्चों को जल्द आश्वासन दिए। मौके पर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के कार्यकर्ता सुरेंद्र पंडित राजू सिंह मुकेश तिवारी उपस्थित थे एवं ग्रामीण बच्चे कुंडी के थे। क्या समस्या है? बिहार से आए हो तुम लोग? कुंडी इतना दूर सुदूरवर्ती क्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर से आए हो, क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है हम लोग। क्या हम लोग का स्कूल नहीं मिला है? स्कूल नहीं मिला का? कभी नहीं खुलता है? नहीं। और क्या सुविधा मिल रहा है? मैंने विद्यालय खुलता है नहीं है तो बातें खत्म हो गई। चलो ठीक है, क्या क्या दिक्कत है आप लोग बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? जब से लॉकडाउन लगा तब से नामांकन नहीं मिला। पूजा। तुम्हारा कौन क्लास में पढ़ती हो? क्लास भी क्या पता क्लास है, नहीं स्कूल ही नहीं वहाँ का क्लास मालूम क्या रहेगा, स्कूल का नाम भी नहीं मालूम। आप घर पहुँच गए? है मंगलवार सब आवाज़ घर मरता है। बच्चे के घर घर में जाके देना है 1-5 को 6-8 स्कूल में बुला के देना है। एड्रेस अभी तक कहाँ पता है? नहीं पा पाए थे। क्यों? कॉपी कितना कलम वो सब ये नहीं पाते। पंच किया किए पंच तो पंचता आज तक आप क्या किए हैं? पैसा कहाँ सरकार के ले रहे हैं? तब बारो सही है ना, पता पहुँचेगा कल बांट देंगे। चाव कहाँ है? घर ही घर में। घर में तो रखते हैं चाव? घर में नहीं सर, स्कूल में है। अपने स्कूल में अब तक शुरू से अब तक बांटे क्यों नहीं है? आज तक कितना बार चावल भाव किए हैं? एक ही बार सर। कब? अभी चावल आपका कौन कौन महीना का आपके पास चावल है? जुलाई अगस्त का है सर, बस कुछ बांटा कुछ प्रमुख। जुलाई अगस्त सितंबर का अभी तो सर लाइन में लगा। बच्ची नहीं पढ़ती स्कूल में,
इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बात को नहीं रख सकती है। बच्चे का राइट्स जो है चार प्रमुख है, पार्टिसिपेशन का राइट्स है, आप समझिए इसको फॉलो कीजिए सर। उसको नहीं मिलेगा, हाँ उसको नहीं मिलेगा, बट ये अधिकार जैसे आपने पेरेंट फाइल करने के क्या अधिकार है वो तो रख सकता, तो क्यों नहीं रख सकता? जैसे आपने बताया कि कैसे हो गया, आप लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? अरे हमें नहीं पढ़ता हूँ, मैं उस गांव से नहीं, ऐसा थोड़ी कि मेरे राइट नहीं वहाँ पे तो उसका मतलब स्कूल में हर महीना मान लीजिए हर महीना क्या आता है, उसका क्या हक है, क्या सरकार देती है ना? जैसे प्रत्येक बच्चा के पीछे पैसा कितना आता है, ये सब हम लोग को मतलब बचत चाहिए। जैसे प्रत्येक महीना ऐसा महीने के हिसाब से कुछ नहीं आता, चावल आता है, हाँ चावल, यही COVID-19 का चावल अभी आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आता है, पैसा है वो, पैसा चावल दोनों, और बाकी इसके सिवा कुछ नहीं आ रहा, कपड़ा आता है सामने एक बार, और बाकी तो और कुछ है नहीं। किताब कॉपी से किताब जो है गवर्नमेंट देती है, ठीक है सुरेंद्र, किताब दे, किताब गवर्नमेंट देती है, किताब वगैरह वो भी किताब, चावल पैसा मिला एक बार, नाश्ता नहीं, एक बार नहीं मिला, नहीं ड्रेस नहीं, इसके बाद है कौन है, विष्णु कुमार, कौन है विष्णु कुमार, क्या बात है बताओ बाबू, तुम चावल मिला तुमको, चावल पैसा नहीं, ड्रेस नहीं, नहीं मिला, कॉपी कलम किताब नहीं, कुछ नहीं, किताब भी नहीं, नहीं, क्या बात है सुनो, सर वहां तक चावल और ड्रेस सर नहीं पहुंचा पाए थे, और इसके बीच में जैसे उसका पैसा भी मतलब निकला हमें कुछ नहीं था, तो जब हम इन लोग को बुलाए, क्या समस्या है बिहार से आए हो तुम लोग, कुंडी इतना दूर सुदूरवर्ती क्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर से आए हो, क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है हम लोग, क्या हम लोग का स्कूल नहीं मिला है, स्कूल नहीं मिल पाएगा, स्कूल नहीं मिला है हम लोग का, विद्यालय कभी नहीं मिलता है, और कभी नहीं खुलता है, नहीं, और क्या सुविधा मिल रहा है, माने विद्यालय खुलता है नहीं है तो बातें खत्म हो गई, चलो ठीक है, क्या क्या दिक्कतें हैं आप लोग बताओ, क्या नाम है तुम्हारा, जब से लॉकडाउन लगा तब से नामांकन नहीं मिला, पूजा, तुम्हारा कौन क्लास में पढ़ती हो, वहाँ पे क्लास भी क्या पता क्लास नहीं, नहीं, स्कूल ही नहीं, वहाँ क्लास, क्लास मालूम क्या रहेगा, स्कूल का नाम भी नहीं मालूम,